जिला गुरदासपुर के पिंड पोलेके की एक नौजवान रात चलते कुछ अणछात्या ने देर रात हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान राहगीर ने हस्पताल पहुंचाया जिथे उसकी मौत हो गई। नौजवान अंतरदीप सिंह के रिश्तेदार आकाशदीप सिंह ने दसिया कि उन्होंने देर रात फोन आया सी कि अंतरदीप नू कुछ अणछाते लोगों ने रात रोक लुट की नीयत नाल बुरी तरह जख्मी किया। जब अंतरदीप नू हस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। उत्थे ही परिवार पुलिस प्रशासन तो इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि उधर पुलिस थाना फतेहगढ़ चूड़िया के थाना इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने दसिया कि उन्होंने वालों मृतक नौजवान की लाश कब्जे च लैके कार्रवाई की जा रही है। हुण तक 174 की कार्रवाई की गई है। मृतक की पत्नी के बयान ले गए हैं, जांच कर अगली कानूनी कार्रवाई की जा रही। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता की रिपोर्ट लाई भारत। मेरा नाम विजय आकाशदीप सिंह पिंड भोलेके तो बीती रात इतने मेरे कजन ब्रदर की डैथ हुई है। वो पाठी सिंह ने पाठ करते हैं नाल के पिंड पाठ कर गए थे। तो तीन चार लुटेरे उन्होंने गए, काफ़ी उन्होंने कुटमार की। उन्होंने फोन तो मोटरसाइकिल खोने की कोशिश करते थे पर वो नाकाम हो गए। कोई पिछुआ आया वो फिर दौड़ गए तो फिर उन्होंने जख्मी हालत जानू कॉल की। तो आप फिर उन्होंने लैके आए हॉस्पिटल खड़िया। तो हॉस्पिटल वाले फिर जवाब देता, फिर असं घर ले आए। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, सूँ उम्मीद है भी पुलिस साड़ी मदद करूगी। सवेरे सानू इनफॉर्मेशन मिली सी अंतरदीप सिंह लड़का वासी होने के इसकी मौत छपी करना है। इसकी पत्नी के अज बयान निकले पोस्टमार्टम करवा के जो भी समझे उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 174 CR पी इसकी कार्रवाई। कोई दस दे लुट की वारदात ने जो वारदात को अंजाम दिता गया नहीं कोई ये बारे कन्फर्म हुआ। जो भी बयान उन्होंने लिख ले उस दौरान जो भी कार्रवाई की जाएगी।